चर्चा है कि सेकुलर मोर्चा को भाजपा मदद कर रही है पीछे से। कहाँ भाजपा सज्जन कार्यकर्ता, देवतुल कार्यकर्ता है, पार्टी गरीबों की, नेतृत्व करने वाले गरीब लोग, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, एक साधारण अध्यापक का बेटा, माननीय नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले का बेटा, योगी जी तो लगे हुए ये लोग, माननीय योगी जी एक संत महात्मा, सब ईमानदार, जो परिवार के एक सदस्य भी आकर नहीं लूट सकता है, न सरकारी गाड़ी में बैठ सकता है, ये पूरे देश के कल्याण के लिए पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया है समाज के लिए। हम लोग कहाँ सेकुलर खड़ा कर पाएंगे क्या? अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना है और विचारधारा ही पूरी दुनिया को दिशा देगा। और हम लोग कुल मिलाकर लक्ष्य में रहे गरीबों का कल्याण करना, और जब जब सरकार आएगी गरीबों का कल्याण करना, शोषित वंचित दलित पिछड़ा सामान ये सब आगे कैसे बढ़े इसी की चिंता हमें करना। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का कहना है कि अमित शाह से चाचा की मुलाकात हुई है, उसको लेकर के सेकुलर मोर्चा बन रहा है, ऐसा कुछ? हम लोग तो सभी से मुलाकात करते हैं भैया, हमारा तो काम है सभी के घर, सर्वस्पर्शी कार्य हो, सर्वव्यापी कार्य हो, सभी पार्टियों भी सब बीजेपी में आ जाएं, उनके कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि एक ही ये पार्टी है जो राष्ट्रवाद की बात करती है। भारत माता की जय कौन बोलेगा? ये सपा बोलेगी, आजम खान बोलेंगे, वंदे मातरम कौन बोलेगा? ये सोनिया जी बोलेंगे, पाकिस्तान वाले बोलेंगे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदुस्तानी ही बोलेगा ना। इसलिए हमारी विचारधारा है राष्ट्रवाद, दूसरा विचार है विकास की एजेंडा, यानी गरीबों का कल्याण करना। आपको फायदा होगा सेकुलर मोर्चा से लोकसभा चुनाव? आने वाला समय मोदी जी ये पीछे सब चलेंगे, नहीं, नहीं, और अगला सरकार माने मोदी जी के नेतृत्व में। आप बात घुमा गए थोड़ी, हम कहते इतना पूछ रहे हैं आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, एक बता दो एक चीज। मैं आपको स्पष्ट इस पर नहीं स्पष्ट आपको बता रहा हूँ, स्पष्ट सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर लड़े, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जनता आपको 51% वोटिंग देगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। ये तीनों आ जाएं सामने, बस तीनों सामने आ जाएं। हाँ हाँ।